गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी चिकित्सकों को, सभी छात्रों को नमन। सबके अंतर हृदय में उपस्थित भगवान के दिव्य स्वरूप को प्रणाम करते हैं। आज हमारा मेडिकल का विषय है जेनेरिक मेडिसिन के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे एक औषधि की, जिसका नाम है मेबेंडाजॉल। औषधि का नाम है मेबेंडाजॉल। यह औषधि एक प्रकार के विशेष प्रकार के नमक से, सोडियम का डेरिवेटिव है, सोडियम का साल्ट है, जो जिससे ये तैयार किया जाता है। इसका जेनेरिक नेम मेबेंडाजॉल ही है। यह औषधि संक्रमण को ठीक करती है। यह औषधि संक्रमण को ठीक करती है, इन्फेक्शन को ठीक करती है, पेट के संक्रमण हों, आंतों के संक्रमण हों, और इसके साथ ही ये औषधि राउंड वार्म, थ्रेड वार्म, पिन वार्म और हिप वार्म सभी प्रकार के कीड़ों को मारती है। तो ये औषधि कीड़ों के मारने की औषधि है। और कितना भी सावधानी से रहा जाए, अनेकों बार बीमारी का एक प्रमुख कारण पेट में कीड़ों का भी होना होता है, जैसे एलर्जी, खाज खुजली। एलर्जी के अंतर्गत हाँफन श्वास भी आता है, फूड की पॉइजनिंग भी आती है, मौसम का बदलाव भी आता है। तो एलर्जिकल विकारों का दोषी पेट में कीड़ा होना भी होता है। और कितनी भी सावधानी रखें हम, पेट में कीड़े प्रायः किसी न किसी रूप में हो जाते हैं, चाहे वो राउंड वार्म हो, थर्ड वार्म हो, पिन वार्म हो या विप वार्म हो। और विशेष करके उन गरीब परिवारों में जिन्हें ढंग से अभी भी रहना नहीं आता है, उन्हें जब मल त्याग की इच्छा होती है तब त्याग करते हैं, समय से नहीं करते हैं, तो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। और ये कीड़े नाना प्रकार के रोगों को जन्म देते हैं। तो किसी भी उपचार करने में यदि ऐसा तो महसूस हो कि पेट में कीड़े हैं, तो उसे एक डोज पेट के कीड़ों की दी जाती है। तो प्रायः ऐसा होता है, तो अपने चिकित्सा व्यवसाय में इस चीज़ का अनुभव करें, देखें। एक बार की बात, हम प्रैक्टिस में थे, एक हमारे बच्चा आया था, उस बच्चे के चारों ओर पेट में इतने इतने गुल्लड़ की तरह फूला हुआ था। ऊपर से देखने से लग रहा था जैसे कोई ट्यूमर जैसी कोई चीज़ डेवलप कर रही हूँ, गांठें डेवलप कर रही हूँ दबाने से। लेकिन जैसे ही उसे एक टिकिया, माने उसका डोर, एक ढक्कन उसे पेट की कीड़ा मारने का दिया गया, तो कम से कम छोटे 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 50 कीड़े निकले थे। कुछ ऐसा देखा, ऐसे प्रैक्टिकल किए देखे मरीज, जो बताने में भी ऐसा लगता है। एक बार एक युवा लड़का था और उसके आँखों के सामने खून का बनना लगभग बंद था, बहुत थोड़ा था, भूख नहीं लगती थी, सुस्त रहता था। एक दिन वो आया और उसके पेट में प्रायः दर्द होता था, और उसे जब कीड़ा मारने की औषधि दी गई तो 100 कीड़े पेट से निकले थे। स्केरिस टाइप लगभग कीड़ा 4-5 इंच का होता है, ऐसे कीड़े निकले थे। और इसके बाद से वो स्वस्थ हुआ। तो किसी भी मर्ज में देखें तो इसका नाम है मेबेंडाजॉल। मुख्य रूप से ये कीड़ों के मारने की औषधि है। अब हम चर्चा करते हैं कुछ संस्था के बारे में। तो हमारी संस्था वर्ष 1987 से
सरकार से रजिस्टर्ड होकर के प्राइमरी चिकित्सा के क्षेत्र में केवल मॉडर्न मेडिसिन में जो नुकसान रहित है, जो नुकसान नहीं करती हैं, प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हीं के क्षेत्र में काम करते हैं, अल्टरनेटिव नेचुरोपैथी योगा के क्षेत्र में काम करते हैं। संस्था निरंतर गतिशील है, संस्था से आप यदि अनुभवी चिकित्सक हैं तो संस्था की नियमावली मंगाएं, इसे देखें, पूरा पढ़ें और फिर हमारी संस्था से CMS का कोर्स करें। CMS का कोर्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, CMS डिप्लोमा पास चिकित्सक संक्रामक रोगों सहित सभी रोगों का उपचार कर सकते हैं, अपने मरीजों को मेडिकल प्रमाण पत्र दे सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसलिए पूरे देश में ये लागू होता है और अभी तक ये निर्णय हमारे संस्था के लीगल एडवाइजर के अनुसार ओवर रूल्ड नहीं हुआ है। ओवर रूल्ड का अर्थ होता है कि जब कोई दूसरा निर्णय इसी कोर्ट का आ जाता है तो ये अमान्य हो जाता है, लेकिन कोई भी निर्णय अगर आज के 100 साल पहले भी दिया गया है और उसका जिक्र इस निर्णय में हो जाए तो वो निर्णय भी पुनर्जीवित हो जाता है। तो इस प्रकार से अभी कई निर्णय CMS के संबंध में आए हैं विभिन्न हाई कोर्ट्स के द्वारा, जिन्होंने इसे पुनर्जीवित फिर कर दिया है और ये पूरे देश के लिए लागू है। तो जो अनुभवी चिकित्सक हैं वो संस्था से डिप्लोमा पास करें, उनके चिकित्सा ज्ञान में जो कमियां हैं उन्हें संस्था दूर कराती है और फिर उन्हें चिकित्सा के योग्य बनाती है, ताकि दूर दराज के इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में, यहाँ तक कि अर्धविकसित क्षेत्रों में और शहरों में भी ऐसे चिकित्सक लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, संस्था से पाठ्यक्रम करें और अपने को झोला छाप चिकित्सक क्विक क्वैक्स डॉक्टर के अभियोग से मुक्त करें, क्योंकि डॉक्टर 3 प्रकार के होते हैं, एक डिग्री होल्डर डॉक्टर, एक डिप्लोमा होल्डर डॉक्टर और तीसरे अनुभवी चिकित्सक, जिन्हें सामान्य भाषा में RMT डॉक्टर्स कहा जाता है। हमारी संस्था एक वेबसाइट है saimission.org, इसे इंटरनेट में देखें। कानूनी पहलू, कोर्स के संबंध में, मान्यता के संबंध में समस्त जानकारी, किस न्यायाधीश ने क्या निर्णय दिया है, संस्था ने क्या कार्य किया है, सभी की विस्तृत जानकारी इसमें है। इसे पूरा पढ़ें, 20 पन्ने 15 पन्ने हैं, एक एक सब पढ़ें, पढ़ने के बाद फिर संपर्क करें और ध्यान रखें कि संस्था द्वारा जब तक आप नियमावली नहीं पढ़ लेते हैं या पूरी वेबसाइट नहीं देख लेते हैं तो किसी भी चिकित्सक से कोई भी वार्ता नहीं की जाती है। और जो भी संस्थान कार्य करता है, सेमिनार करता है, गतिविधियाँ करता है, उसकी जानकारी हम शासन को भेजते रहते हैं। वर्ष 2002 में, 2010 में, 2014 में, 2010 में जब गुलाम नबी आज़ाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री थे, तब कांग्रेस की सरकार थी, तब हमने 100 दवाओं की सूची जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्य थी उसे सरकार के पास भेजा था। अब 2014 में जब माननीय मोदी जी की सरकार में माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन थे, तब एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ऐसे चिकित्सकों को कानूनी सहायता दिया जाए, संरक्षण दिया जाए जिन्हें इन्होंने CMS में पाठ्यक्रम किया है, भेजा था नए सिरे से, फिर ये प्रोजेक्ट हम भेज रहे हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन हर दो वर्ष में अपने सूची में संशोधन करता है, तो जो संशोधन करता है हमारा संगठन उन्हीं औषधियों में से कुछ औषधियों का सिलेक्शन करके सरकार के पास भेजता है कि सरकार देखे इसमें जो औषधियाँ अनुपयुक्त हों उनके स्थान पर हटा करके
नई औषधियाँ जोड़ दी जाएं, जिससे प्राथमिक चिकित्सकों को चिकित्सा कार्य करने में कोई व्यवधान न पैदा हो। अगली चर्चा इसी तरह की अगली औषधि पर अगले एपिसोड में।